वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी इस फेस क्लीन जेल के बारे में कि इसको लगाना सेफ है या नहीं, या ये क्या काम करती है, इसके यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। तो इसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, तो वीडियो देखते रहें। बट आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आजी आवाज़ किसकी है, तो मैं बता दूं कि मैं यूज़फुल प्रोडक्ट से नहीं हूं, बल्कि मैं के एंजल BEB चैनल से हूं और मेरा नाम खुशी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्रीम के रिव्यू की तरफ। तो फर्स्ट तो ये क्रीम है कुछ 20 ग्राम्स की, आपको दिख रहा होगा, और जिसका रेट है ₹130। देखिए, और इसको इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी है वो है कुछ 2 इयर्स के लिए। और इसको बनाया है मेप्रोमैक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। यहाँ पे आप इसके सारी डिटेल देख सकते हो। अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे देखिए मेन इंग्रेडिएंट्स ये दिए हुए हैं, क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड और इन एलो एलेंटन बेस। देखिए यहाँ पे भी यही दिया है। तो फर्स्ट तो ये जो क्लिंडामाइसिन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। निकोटिनामाइड जेल जो है वो एक विटामिन बी का पार्ट है, और जो यहाँ पे लिखा है एलो एलेंटोनी बेस कुछ ऐसा, तो वो है कि उसका मतलब ये है कि स्मूथ को स्किन को बहुत स्मूथ और मॉइस्चराइज रखता है। ये जो लास्ट वाला दिया है उसका मतलब ये है। सो अगर मैं इसके पैकिंग की बात करूँ तो ये देखिए इस तरह का बॉक्स है। इसके अंदर इसके साथ दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये क्रीम है और दूसरा ये एक यूज़र गाइड है। बहुत अच्छी पैकिंग है, कुछ इसमें बुराई नहीं है। इस यूज़र गाइड में आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि पिंपल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसके स्टेजेस क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और आपको ये क्रीम कैसे यूज़ करनी है वो भी पूरा डिटेल में बताया है। और अगर मैं क्रीम की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का ट्यूब है, और ये एक जेल फॉर्म में है ये क्रीम। यू कैन सी, ये मैं लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का पूरा ट्रांसपेरेंट क्रीम है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है और स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे भी। और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो इसको बिल्कुल भी पतला लेयर लगाए अपने फेस पे, आपको जहाँ पिंपल हुए हैं, और रात के टाइम में ही लगाना है, दिन में लगा के ना जाइए। और फेस को पहले अपना अच्छे से धो ले फेस वॉश से या जिससे आपको वॉश करना है, और उसके बाद ही ये क्रीम अप्लाई करें एकदम साफ चेहरे पे, ताकि ये अपना रिजल्ट अच्छे से दिखा पाए। और पूरी रात इसको रखना है और दूसरे दिन मॉर्निंग में नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। और इसका रिजल्ट आपको एक दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, जब तक आप ये पूरा क्रीम यूज़ नहीं कर लेंगे उसके तब तक आपको ये इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसको लगाते हुए बिल्कुल भी पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि लेकिन ये ज़रूर वर्क करती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट ये होता है पिंपल्स के लिए यूज़ होता है, फिर जो बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं लाइक जिसमें रस्सी या सीरस भर जाते हैं वैसे पिंपल के लिए भी यूज़ होता है। एक्ने स्कार्स जो रह जाते हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, और छोटे पिंपल्स जो कि एकदम ज़िद्दी होते हैं, ना बढ़ते हैं ना जाते हैं, एकदम छोटे छोटे दाने दाने आ जाते हैं, तो उन सारे टाइप के पिंपल्स के लिए ये यूज़ होता है। इसको लगाने के बाद आपको बहुत ठंडक ठंडक फील होगा फेस पे। और कब तक लगानी है ये भी बहुत सारे डाउट होंगे। तो इसको आपको आपका जब तक फेस पूरा इवन नहीं हो जाता, चाहे एक ट्यूब लगे या दो ट्यूब लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्यूब में आपका पूरा मतलब फेस जो है वो क्लीन हो ही जाएगा। बट अगर ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है तो ही आपको तीसरा खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मली 2 में हो जाता है। और जब आपका पूरा फेस क्लीन हो जाए तो आप इसको आसान। और कब तक लगानी है ये भी बहुत सारे डाउट होंगे। तो इसको आपको आपका जब तक फेस पूरा इवन नहीं हो जाता, चाहे एक ट्यूब लगे या 2 ट्यूब लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्यूब में आपका पूरा मतलब फेस जो है वो क्लीन हो ही जाएगा। बट अगर ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है तो ही आपको तीसरा खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मली 2 में हो जाता है। और
जब आपका पूरा फेस क्लीन हो जाए तो आप इसको आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने मुझे खुद पिंपल्स हुए थे और मैंने इसको 2 ट्यूब यूज़ किया था, उसके बाद छोड़ दिया था इसको लगाना, तो इसके बाद इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। इसने बहुत अच्छे से मतलब अपना वर्क भी किया और छोड़ने के बाद मुझे इसका साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखा। और तो अगर आपको इसका कोई भी और डाउट हो तो आप चाहे तो एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू अबाउट दिस फेस क्लीन जेल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दी हुई है, आप जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और नए नए वीडियो की अपडेट पा सकते हो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।